हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के सामने फेस के साथ आया हूँ, और फेस के साथ आने का सबसे बड़ा कारण मेरा ये है कि मैं आप लोगों को आज कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों डेवऑप्स कोर्स के रिगार्डिंग है, बहुत ही रियल इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डेवऑप्स जो कोर्स है इसको करने में, कंप्लीट करने में एटलीस्ट कितना टाइम लगेगा। मैं कोई भी टेक्निकल वर्ड्स की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। डेवऑप्स की जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स को कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है। ये चीजें मैं इसलिए आपके सामने लाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदों का मेरे पास फोन आता है, बहुत सारे बंदों का मेरे पास मैसेज आता है, वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर डेवऑप्स को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। और उनके अंदर एक बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिमाग में बैठी हुई है डेवऑप्स को लेकर, वो भी आज मैं आपको क्लियर करूंगा, राइट? तो एक तो मेरा एजेंडा आज के टॉपिक का ये है कि डेवऑप्स के बारे कोर्स कितना टाइम में हो जाता है, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, इस नॉलेज के बारे में बात करूंगा। दूसरा मेरा इस आज के वीडियो का एजेंडा ये है कि एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जो बंदे एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों आज का ये जो दो टॉपिक है, डेवऑप्स का कोर्स कैरिकुलम कितने टाइम में हो जाता है ये बात करेंगे, दूसरा एक्सपीरियंस की बात करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसा शब्द है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता आईटी इंडस्ट्री के अंदर, राइट? और इस एक्सपीरियंस जो वर्ड में बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कई लोगों को मेरा ये शब्द गलत लग रहा होगा, लेकिन मेरे वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या बताना चाहता था। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आपको। तो दोस्तों मैं आपको, मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा एक केस आया, मैं आपको बता देता हूँ कि एक बंदा मुझे फोन करता है और कहता है कि सर मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है आईटी का, और आप मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए कि मैं अब कौन सा टेक्नोलॉजी को पकड़ लूं और मैं अपनी जॉब चेंज कर लूं और मैं अपना पैकेज इंक्रीज कर लूं। अभी मुझे जितना भी पैकेज मिल रहा है इससे मैं मुझे ज्यादा पैकेज मिल जाए, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो उस बंदे से मैंने एक सवाल पूछा कि आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, इसका मतलब आप सन 2000 में आपने कंपनी को ज्वाइन किया होगा, बोलता है राइट। मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि आपने जब कंपनी को ज्वाइन किया था तो आपने क्या काम किया, कौन से डोमेन में आप काम करना स्टार्ट किए, किस प्रोफाइल पे आप काम कर रहे थे। तो बंदा मुझे आंसर देता है सर मैं लिनक्स पे काम कर रहा था। बहुत बढ़िया है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि 2004 में आपने किस डोमेन में काम कर रहे थे, तो बंदा बोलता है कि मैं उस टाइम पर भी लिनक्स में ही काम कर रहा था। मैंने बंदे से फिर पूछा कि आप 2010 में बताइए कौन से डोमेन में काम कर रहे थे, बंदा कहता है सर मैं अभी भी लिनक्स में ही था। अब मैंने बंदे से पूछा कि आप बताइए आज 2020 है, आप इस टाइम पर आप कौन सी प्रोफाइल में है, कौन से डोमेन में है, जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में कौन से डोमेन में काम कर रहे हैं। बंदा बोलता है सर आज भी मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूं और एक्सपर्ट हूं लिनक्स। तो फिर मैंने उसे आंसर दिया कि आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का। आपने उस 1 साल के एक्सपीरियंस को आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, और आप 20 के साथ मल्टीप्लाई करके आपने आप अपने सर पे एक बोझ लेके चल रहे हो 20 साल का एक्सपीरियंस। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने फर्स्ट ईयर जब कंपनी में गए तो जो भी एक्सपीरियंस आपको लिनक्स से लेनी थी वो आपने फर्स्ट साल ही ले चुके हो, उसके बाद फिर अब आप उसी काम को अगर 20 साल तक कर रहे हो तो वो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता दोस्तों, वो काउंट होता है सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस। आपने उसे 20 साल के साथ मल्टीप्लाई किया और एक बोझ अपने सर पे लेके चलते हो कि आई हैव एक्सपीरियंस 20 इयर्स फॉर द आईटी इंडस्ट्री, और इस बोझ पे आप फंस चुके हो, आप इस ट्रैप में फंस चुके हो, आपको फील होता है कि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। अब एक्सपीरियंस होता क्या है वो भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। एक्सपीरियंस उसको कहते हैं कि आपने 20 साल पे नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज में आपने काम किया। अगर आपने 20 साल पे नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज में काम किया है तो तब मैं उसे एक्सपीरियंस मानता हूं। जिस तरीके से अगर वो बंदा बोलता कि सन 2000 में मैंने लिनक्स पे काम किया, 2004 में मैं वीएमवेयर पे आ चुका था, 2010 में मैं AWS पे आ गया था, 2012
2012 में मैं डॉकर कुबरनेटिस पे आ गया था, राइट, 2016 में मैं गिट जेंकिंस पे आ गया, पाइथन पे आ गया, तो ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। अब मैं उसे बोलता हूँ कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन ऐसा कुछ बंदे ने किया नहीं, बंदे ने तो 20 साल से एक ही प्रोफाइल पे काम किया और बोल रहा है 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये एग्जांपल ठीक उसी तरीके से दोस्तों कि आज से 10 साल पहले एक मजदूर काम करता था, उसे 10,000 रुपए मिलता था, आज भी वो मजदूर काम कर रहा है उसे 10,000 ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मजदूर फर्स्ट साल जो काम किया वही काम को 10 साल से कंटिन्यू कर रहा। तो आप एक ही काम को अगर बार बार कर रहे हैं तो उसे मैं एक्सपीरियंस नहीं बोलता। तो अगर आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं आप, तो आप उसके लिए अपनी वैल्यू बढ़ाएं। तो वैल्यू कब बढ़ती है? वैल्यू आपकी तब बढ़ती है जब आपको नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आती हैं, जब आपको नंबर ऑफ डोमेन में आप काम कर रहे हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, और बिना वैल्यू बढ़ाए आप पैसा ज्यादा नहीं कमा सकते। तो ये बहुत ही एक बड़ी बात मैंने आप लोगों को शेयर की है कि जो भी बंदे ये फील करते हैं कि मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक बार अपने बैकग्राउंड को, अपने पास्ट को झांकिए, अपने पास्ट को देखिए कि आपके पास जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उस 15 साल के टाइम पर आपने किया क्या। अगर आप एक ही प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं तो आपको 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। मैटर करता है दोस्तों आईटी इंडस्ट्री में, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैं आपको पहले कट टू कट बता देता हूं, आईटी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, आईटी इंडस्ट्री में मैटर करता है नॉलेज, मैटर करता है कि आपके पास कितनी ज्यादा स्किल्स हैं, मैटर करता है कितने ज्यादा डोमेन्स को आप जानते हो, कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज के ऊपर आपका हाथ क्लियर है, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है, मैटर ही करता है, उस पे आपको पैसे मिलते हैं। और अगर आप इस चीज को, इस चीज पे काम करना स्टार्ट करते हैं, इस चीज में अगर आप महारत ही हासिल कर लेते हैं कि आप न्यू अपडेट ले रहे हैं, एवरी डे आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, हर टेक्नोलॉजीज को आप अवेयर कर रहे हैं, हर टेक्नोलॉजीज को आप सीख रहे हैं, आप हर टाइम लर्न कर रहे हैं, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी सेकंड आप न्यू टेक्नोलॉजीज को सीख रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं आप इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आईटी इंडस्ट्री में कि आपको खुद नहीं पता। आप इसे मल्टीप्लाई कर लें 10 से, 100 से, 1000 से, इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर आप ये काम करते हैं, अगर आप हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड अपनी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाते हैं, अपने ऊपर हर टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ही टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठे हुए हैं और आप बोलते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो वहां पर आप सिर्फ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, आपको टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सब लोग से कि आप लोग अगर अपनी पैकेज बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी को स्विच करना चाहते हैं, तो अपने स्किल्स को बढ़ाएं, ना कि एक्सपीरियंस को। आपने बहुत बार एग्जांपल्स देखे होंगे कि एक बंदा है 22 साल का लेकिन गूगल पे काम कर रहा है, 2 करोड़ का पैकेज है। एक बंदा है 25 साल का जो 35 लाख के पैकेज में, आप उससे पूछिए, उस बंदे का इंटरव्यू लीजिए, उसके पास नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज होंगी। लेकिन आपने कई बार ऐसे भी देखे, कोई बंदा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी 10 से 12 लाख के पैकेज में बैठा हुआ है, और 12 से 15 लाख के पैकेज में नहीं जा पा रहा आज के टाइम पे। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी उसे दे नहीं रही है। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि बंदा उसी चीज पे काम कर रहा है, और जिस चीज में वो बंदा काम कर रहा है, 12 लाख ले रहा है, आज फ्रेशर बंदा भी उस चीज को कर लेता है, इसलिए एग्जिस्टिंग कंपनी आपको 12 से 15 लाख का पैकेज नहीं दे रही है। अब दूसरी कंपनी में भी आप नहीं जा पा रहे, क्योंकि जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो, आप जॉब स्विच करते हो, तो आपसे इंटरव्यू लिया जाता है और वहां पर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, वहां पर आपकी एक्सपीरियंस को साइड रख दिया जाता है, तो आप दूसरी कंपनी भी स्विच नहीं कर पा रहे हो, और आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये एक्सपीरियंस बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस बंदे इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। उन्हें क्या लगता है कि हमारे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, हमारा पैकेज क्यों नहीं बढ़ रहा, हमें कंपनी क्यों नहीं दे रही। सबसे बड़ा रीजन यही है, इंडस्ट्री चेंज हो चुका है, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़े तरीके से चेंज हो चुका है। यहां पर वही बंदे सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनके पास नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज है, नंबर ऑफ नॉलेज है, नंबर ऑफ चीजों को जानते हैं, नंबर ऑफ डोमेन में काम किया है। इसलिए आप देखिए, आज फ्रेशर बंदा आप 8 से 10 लाख के पैकेज में काम कर रहा है, और 20 साल का एक्सपीरियंस बंदा भी 8 से 10 लाख के पैकेज में पड़ा हुआ है। आप सर्वे करके देख लीजिए, रीजन सबसे बड़ा ये है। तो ये मैसेज मैं उन बंदों के लिए दे रहा हूं जो बंदे एक्सपीरियंस के ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो अपने इस एक्सपीरियंस के ट्रैप से बाहर निकले और नई टेक्नोलॉजी को अवेयर करें। टाइम है अभी भी, कुछ नहीं बिगड़ा,
आप हार्डली 2 साल 1 साल मेहनत कर लें, 1 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी को सीख कर अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं, अपना पैकेज भी बढ़ा सकते हैं, और चाहे तो एग्जिस्टिंग कंपनी में भी न्यू डोमेन को पकड़ के आप अपना पैकेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। एवरी डे एवरी मोमेंट एवरी सेकेंड आपको लर्न करना पड़ेगा, और आज के टाइम पर हर चीज अवेलेबल है दोस्तों लर्निंग करने के लिए। एक बंदा मुझसे बोलता है सर मैं लाइव एक्सपीरियंस कैसे लूं, लाइव एक्सपीरियंस मैं कंपनी में जाके लूंगा, तो मैं उन बंदे को ये भी बता दूं आज के टाइम पर आप लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आज के टाइम पे आप लाइव एक्सपीरियंस घर में बैठ ले सकते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूं कैसे। आज से 10 साल पहले क्या होता था कि हमें कोई लाइव एक्सपीरियंस करना होता था आईटी पे सर्वर पे, तो हमारे पास सर्वर्स नहीं होते थे, राइट? 32 GB का रैम का सर्वर नहीं है, 64 GB रैम का सर्वर नहीं है, स्विच नहीं है, राउटर नहीं है, तो हम लोगों को क्या बोलते थे, हमें एक लाइव एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रही, सिर्फ थ्योरी लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये एक्सपीरियंस हमें कंपनी में जाकर ही मिलेगा। आज वो चीजें नहीं है दोस्तों, आज आपको 64 GB का सर्वर चाहिए, क्लाउड में अवेलेबल है, आज आपको रैम चाहिए, स्विच चाहिए, राउटर चाहिए, फायरवॉल चाहिए, सब कुछ क्लाउड में अवेलेबल है। मैं कहता हूं आप वहां से प्रोविजन करिए, अपने घर में बैठ के डेटा सेंटर बनाइए, लाइव एक्सपीरियंस लीजिए। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे अभी करंट टाइम पर, आपने अपनी कंपनी के डेटा सेंटर को तो देखा ही होगा, उस डेटा सेंटर को लीजिए और अपने घर पे बैठ के आप सेटअप करिए क्लाउड पे जाके। मैं कहता हूं करिए, आपको एक्सपीरियंस कैसे नहीं मिलेगा। आप एग्जिस्टिंग कंपनी के डेटा सेंटर को घर में बैठ के अपने क्लाउड में रख बनाइए, अपने AWS पे जाके, Azure पे बनाइए, पूरे लाइव एनवायरमेंट बनाइए। आप इस काम को करेंगे आपको ऑटोमेटिक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये लाइव एक्सपीरियंस लेकर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप खटाखट आंसर देंगे। लेकिन सवाल आता है कि इन काम को करने के लिए मेहनत चाहिए, विजुलाइजेशन करने के लिए मेहनत चाहिए। हम लोग विजुलाइज नहीं करते हैं, विजुलाइजेशन में सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। आप एग्जिस्टिंग कंपनी के डेटा सेंटर को घर में बैठ के विजुलाइज करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए घर में बैठ के, डॉकर है, क्यूबरनेटिस है, सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों आज के टाइम पर। अब वो बहाना चला गया कि लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए मेरे पास घर पे सर्वर नहीं है, राउटर नहीं है, स्विच नहीं है, केबल नहीं है, कैसे करूं, सब चला गया। आजकल सब कुछ अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं ये जो टर्म्स मैंने बताया इन चीजों से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये खासकर मैसेज इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंस वाले बंदे घूम रहे हैं उनके लिए मैसेज था। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं। तो पॉइंट की बातों को स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज और मैं आपको दे देता हूं एक्सपीरियंस वाले के लिए, ये भी है दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, शायद इस एग्जाम्पल से आप समझ जाए। अगर मैं एक पानी की बात करूं, राइट, तो एक गंदा पानी बह रहा है, बोले तो गंदा पानी चल रहा है, लेकिन वो गंदा पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो एक लोकेशन पे जाकर वो साफ हो जाता है। ये आप मानते हैं, कितना भी गंदा पानी हो, नाले का पानी हो, नदी का पानी हो, वो गंदा है, बह रहा है, लेकिन वो एक लोकेशन में जाकर साफ हो जाएगा। क्यों साफ होता है आपको पता है? क्योंकि वो चल रहा है, वो बह रहा है, उसने रुका नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर आप एक साफ पानी को एक बकेट में रख दें, इसका मतलब वो एक लोकेशन में ठहर गया है, रुक चुका है। अब वो कितना भी साफ पानी क्यों ना हो, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि वो गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप पानी की तरह बहिए, आप पानी की तरह चलिए, आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी डल बंदे क्यों ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीख चुके हो और आप अपनी जॉब स्विच कर लेंगे। लेकिन आप कितने भी एक्सीलेंट क्यों ना हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नई टेक्नोलॉजी को अवेयर नहीं कर रहे हैं, आप एक लोकेशन में बैठे हुए हैं, एक ही टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठे हुए हैं, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी वैल्यू खत्म। ऐसे कई एग्जांपल्स दोस्तों मैंने देखे, कॉलेज में देखे, स्कूल्स में देखे। आपको एक और लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि आप देखिए, आपके कॉलेज में अगर 40 बंदे हैं एक क्लास के अंदर, तो 10 बंदे ऐसे होते हैं जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं और 30 बंदे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, लो मिडिल क्लास पे आते हैं। तो जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं 10 बंदे, उनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, राइट? जो 30 बंदे होते हैं उनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता। अब जो 10 बंदे होते हैं जिनका कैंपस में सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग क्या करते हैं, उनको TCS लेके चला गया, विप्रो लेके चला गया, एक्सेंचर लेके चला गया, गूगल लेके चला गया, माइक्रोसॉफ्ट लेके चला गया कैंपस में। क्या सैलरी दिया उनको? 35,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी, राइट? अब जो फ्रेशर बंदा था, सॉरी, जो 30 बंदे थे जो मिडिल क्लास में थे, उनका कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, अब उन्हें जॉब नहीं मिली,
अब देखिए यहाँ पर जो बंदा कैंपस में सिलेक्शन हो चुका है और जो बंदा कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, ये दोनों क्या एक्टिविटीज करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जो बंदा कैंपस में सिलेक्शन हो चुका है वो अब क्या करता है, कंफर्ट जोन में आके 35,000 रुपए उसे मिल रहा है, टीसीएस उसे 35,000 रुपए दे रही है, एससीएल उसे 35,000 रुपए दे रही, कोई भी कंपनी उसे 35,000 रुपए दे रही है, वो कंफर्ट जोन में आ गया। अब वो कंफर्ट जोन में आने के बाद वो 2 से 3 साल तक कोई टेक्नोलॉजी को लर्न नहीं करता, कोई भी चीजों को नहीं सीखता, उसे 35,000 बहुत लग रहा होता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी 2 दिन पहले तो एक भी पैसे नहीं थे, घर से पैसे आते थे, लेकिन अब मेरे पास 35,000 रुपए मुझे मेरे पास कंपनी से आ रहे हैं, एनएफ है, कोई भी टेक्नोलॉजी को नहीं सीखता। लेकिन जो बंदा यहां पर 30 बंदे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कैंपस सिलेक्शन में, उनका कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो क्या करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो साइड में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, चीजों को अपडेट करते हैं, अपडेट करने के बाद कुछ 6 महीने साल भर के बाद उनकी जॉब लगती है, लेकिन बहुत ही छोटी जॉब लगती है उनकी, जहां पर 18 से 20 हजार उन्हें मिल रहा होता है। लेकिन उस 18 से 20 हजार में उन्हें एक रियलिटी पता लग चुका है कि अभी हमें रुकना नहीं है, वो कंपनी में काम करके नॉलेज भी ले रहे होते हैं, 18 से 20 हजार कमा भी रहे हैं और आगे भी अपडेट ले रहे हैं। तो अपडेट जब वो लेते रहते हैं तो हो सकता है 1 साल के बाद 18 से उनकी सैलरी 30 हजार हो जाती है 1 साल के बाद। अभी भी वो रुक नहीं रहे, अभी भी वो लर्निंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पता लगता है 3 साल के बाद उनका पैकेज हो गया 50,000 उन्हें मिल रहा महीने में, अभी भी वो नहीं रुके, मेहनत कर रहे हैं, आगे नई चीजों को अपडेट कर रहे हैं, पता लगता है उनकी सैलरी 1,00,000 रुपए हो चुकी 4 साल। कौन से बंदे, जिनका कैंपस में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उन्होंने, वो बंदे रुके नहीं, एवरी मोमेंट अपडेट होते रहे। लेकिन जो बंदा कैंपस में सिलेक्शन हुआ था, जो 35,000 की सैलरी पे गया था, वो बंदा 3 साल तक कोई टेक्नोलॉजी को अवेयर नहीं किया, 3 साल के बाद भी उसका पैकेज 35,000 ही है, वो 35,000 ही कंपनी से ले रहा, ज्यादा से ज्यादा कंपनी ने 5,000 और बढ़ा दिया 40,000 बस 3 साल वो कंफर्ट जोन में फंसा हुआ था, उसने अपडेट ही नहीं लिया। जब उसे 3 साल 4 साल गुजर जाते हैं उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि यार अब थोड़ा सा पैसा बढ़ना चाहिए, तो एग्जिस्टिंग कंपनी से रिक्वेस्ट करता है, एचआर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी सैलरी बढ़ाइए, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में जाने की कोशिश करता है, तो एग्जिस्टिंग कंपनी उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ाती, 40,000 में भी उसे रखा जाता है। अब वो जॉब चेंज करने जब दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है तो पता लगता है इंटरव्यू में गया तो नई टेक्नोलॉजी उसके सामने आ रही है क्वेश्चन, अब उसे रियलिटी का पता लगता है कि क्या हो गया, कितना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हुआ। तो ये मिस्टेक किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो बंदा ठहर गया था, इंटेलिजेंट बंदा रुक गया था, काम नहीं कर रहा था अपने ऊपर, रुक चुका था, इसलिए उसकी वैल्यू डाउन हो गई। और जो 30 बंदे जो मिडिल क्लास के थे, जिनके उतना माइंड उनका क्लियर नहीं है, जो चीजों को इतना जल्दी कैच नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने रुके नहीं, वो कंटिन्यू कंसिस्टेंसी लगे रहे अपने काम करने में, हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहे, और आज देखिए वो बंदे 1,00,000 की सैलरी उठा रहे हैं पर मंथ। तो कितना बड़ा डिफरेंशिएट आया यहां पर, डिफरेंशिएट किस चीज पे आया, सिर्फ रुकने में और चलने में। तो वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, बस चलते रहिए, हर दिन पढ़ते रहिए, हर दिन लर्निंग करिए, हर दिन न्यू टेक्नोलॉजी को लीजिए, आप एक दिन ऐसे जगह पे पहुंच चुके होंगे आप उम्मीद नहीं करते, और इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप आईटी इंडस्ट्री में अगर आप हर दिन अपडेट करते हैं, आप सोच नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपडेट नहीं करते, यहीं पर गाड़ी खराब हो जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, और मेरा आज का जो दूसरा एजेंडा था वो ये था डेवऑप्स कोर्स कैरिकुलम के बारे में आपको बताना कि एटलीस्ट इसको करने में कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो डेवऑप्स है इसको कंप्लीट करने में कम से कम आपको 1 साल चाहिए, कम से कम। अब कई बंदे बोल रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, 1 साल चाहिए, 1 साल लगेगा डेवऑप्स को, तो मैं बिल्कुल बोलता हूँ दोस्तों डेवऑप्स को करने में 1 साल आपको लगेगा, जरूर 1 साल लगेगा। लेकिन यहां पर सवाल एक आता है कि आपके इंडिया के अंदर कई ऐसे इंडस्ट्री हैं जो डेवऑप्स की ट्रेनिंग आपको 2.5 महीने में करवा देते हैं, 3 महीने में करवा देते हैं, 4 महीने में करवा देते हैं, तो वो लोग कैसे करवा रहे हैं और आप 1 साल कैसे बोल रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको क्लियर करो। तो इसको भी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो जो भी इंडस्ट्री आपको डेवऑप्स 2.5 महीने में करवा के दे रहा है वो आपको डेवऑप्स कंप्लीट नहीं करवा रहे दोस्तों, वो आपको सिर्फ डेवऑप्स के जो टूल होते हैं, तो डेवऑप्स के जो मेजर टूल्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं, लिनक्स हो गया, AWS हो गया, डॉकर हो गया, क्यूबरनेटिस हो गया, एंसिबल हो गया, गिट हो गया, जेनकिंस हो गया, नेगियोस हो गया, ये तो मेजर टूल्स है, ये तो आना ही चाहिए डेवऑप्स की प्रोफाइल के लिए। इसके बाद भी एक्स्ट्रा है
जैसे टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, आपका पाइथन, मेवन, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया लिनक्स, AWS, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिट, जेनकिंस, इतना आना चाहिए डेवऑप्स प्रोफाइल के लिए। तो इतना ही करने में आपको एक साल लग गया। लेकिन जो भी इंडस्ट्री आपको डेवऑप्स की ट्रेनिंग 2.5 महीने में 3 महीने में करवा के दे रहे हैं, ये लोग कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, हर टूल के ऊपर आपको सिर्फ 10-15% की नॉलेज शेयर करेंगे, सिर्फ 10-15% की नॉलेज। तो ये लोग इस तरीके से काम करते हैं कि आपने इनके साथ डेवऑप्स की ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन किया, इन्होंने आपसे फीस चार्ज कर लिया, राइट, 15,000-20,000 जो भी है। अब ये लोग क्या करते हैं कि लिनक्स की ट्रेनिंग आपको सिर्फ 15% की नॉलेज लिनक्स के ऊपर दे दिए, AWS के ऊपर आपको इन्होंने आपको 15% नॉलेज दे देना है, ऐसे डॉकर, क्यूबरनेटिस, एंसिबल, गिट, जेनकिंस, इस तरीके से ये लोग 2.5 महीने में डेवऑप्स को कंप्लीट कर देते हैं। ये इंडस्ट्री जो भी डेवऑप्स की ट्रेनिंग देते हैं। अब क्या ये बेस्ट है, तो मैं बोलता हूं दोस्तों ये बेस्ट नहीं है। अब आपको भी ये चीज समझ में नहीं आती, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस बंदे इस ट्रैप में फंस जाते हैं, आपको भी ये चीज समझ में नहीं आती, आपको भी ऐसा लगता है 2.5 महीने में डेवऑप्स कंप्लीट हो गया, 15,000 में डेवऑप्स कंप्लीट हो गया। दोस्तों डेवऑप्स 2.5 महीने का कोर्स नहीं है, डेवऑप्स बहुत बड़ा कोर्स है, एक साल लगता है इसको करने के लिए। थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूं। अब आपको ये चीज रियलाइज भी होती है कि डेवऑप्स 2.5 महीने का नहीं है, लेकिन कब रियलाइज होता है पता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे इंटरव्यूअर जो आपके सामने बैठा होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो जब आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे हर टूल के ऊपर 10-15% की क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपसे सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसे क्या, वो क्या सोच के चलता है कि आपको डेवऑप्स के हर टूल की पूरी नॉलेज है। तो जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप उतने ही आंसर दे पाते हो 10-15% तक का, उसके आगे का आंसर आपके पास नहीं होता है, क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग ली नहीं, आपने उसके बारे में कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आपको क्या लगा कि डेवऑप्स में जो आपको 10-15% की नॉलेज दी गई है दैट इज सफिशिएंट, इतना ही है डेवऑप्स। नहीं दोस्तों, इसी तरीके से आप 3-4 कंपनियों में इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहां पर आपके साथ ये जो सेम एक्सीडेंट होता रहता है, तो आपको तब से आके समझ में आता है कि हमने कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है अपने साथ। हमने सोचा डेवऑप्स 2.5 महीने में होता है, हमने कर भी लिया, लेकिन अब जाकर आपको क्लियर होता है कि डेवऑप्स अभी आपका कंप्लीट नहीं है। तो जब आपको रियलाइज होता है कि डेवऑप्स अब आपका कंप्लीट नहीं है, तो अब आप सोचते हैं कि यार हर टूल पे हमें तो, अब आपको रियलाइज हो चुका होता है कि आपको हर टूल की नॉलेज तो है लेकिन सिर्फ 10-15%। अब आप वापस उसी इंडस्ट्री में जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे डेवऑप्स के जो टूल्स हैं उसको डेडिकेट करना है। तो जब आप डेडिकेट की बात करते हैं तो फिर वो लोग इंडस्ट्री वाले आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि डेडिकेट करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 1.5-2 महीने हर टूल के ऊपर लगेंगे और हर टूल के ऊपर 10-12 हजार की फी। तो अगर आप कैलकुलेशन करें हर टूल को, अगर आप डेडिकेट पढ़ने बैठे तो आप यहां पर क्या देखते हैं कि एक साल चला गया, बिल्कुल चला गया एक साल, और पैसे भी आपके 1,00,000 रुपए लग जाने। क्लियर, बिल्कुल। तो डेवऑप्स में आपको यही बताना चाहता हूं, डेवऑप्स कोई छोटा कोर्स नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स है और एक साल इस पे लगते हैं दोस्तों, और 1,00,000 रुपए लगता है अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के साथ डेवऑप्स की ट्रेनिंग करें तो। इवन अगर आप मेरे साथ डेवऑप्स की ट्रेनिंग करते हैं तो भी आपको 1,00,000 रुपए पे करना पड़ेगा और एक साल का टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर मैं आपको डेवऑप्स सिखा पाऊंगा एक्चुअल में। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि एक साल किसी के पास है टाइमिंग और 1,00,000 रुपए है किसी के पास, तो सवाल आता है कि बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अभी शुरू में 25,000-30,000 की जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए 1,00,000 रुपए पे करना बहुत ही डिफिकल्ट है और एक साल का टाइम देना, एक साल का टाइम सुनकर ही बहुत सारे बंदे बाइकट कर जाते हैं, एक साल नहीं दे सकते, किसी और फील्ड में देते हैं। क्लियर, तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा एक सोल्यूशन लेके आया हूँ और ये सोल्यूशन जो है मैं बहुत ही R&D करने के बाद निकाला हूं, और मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको भी दूं, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम करने वाली है और काम करती है। तो जो डेवऑप्स आप एक साल में कंप्लीट करते हो दोस्तों, आप इसको कम करके 6 महीने कर सकते हो, 6 महीने में आपका डेवऑप्स कंप्लीट हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जो डेवऑप्स आपका एक साल में कंप्लीट हो रहा है, तो कोई भी काम अगर एक साल में कंप्लीट होता है तो उसका एक रेशियो होता है काम करने का, कि आप एक दिन में 2 घंटे काम कर रहे हैं तो ये जाके एक साल में कंप्लीट हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप एक दिन में 4 घंटे काम करिए, 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल आता है कि
ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो डेवॉप्स की ट्रेनिंग एक दिन में 4 घंटे देगा डेली एक साल? सवाल आता बहुत कम है ही नहीं कोई। कभी छुट्टी हो गई, कभी त्योहार आ गया, सैटरडे संडे छुट्टी, वीक में 4 दिन ट्रेनिंग मिलेगी, वीकेंड लेंगे तो 2 दिन ट्रेनिंग मिलेगी, तो एक साल में भी नहीं होना फिर तो, अगर आप इन इंडस्ट्री के साथ जुड़ के क्लासेस करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या? इसका सोल्यूशन से दोस्तों सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ें। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो, अगर आप खुद से पढ़ें डेली 4 घंटे तो 6 महीने में आपका डेवॉप्स कंप्लीट हो जाए। मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन आप, लेकिन सवाल आता सर खुद से कैसे पढ़े, कंटेंट कहां है? तो कंटेंट का भी सोल्यूशन मैंने कर दिया है, मैंने डेवॉप्स के हर टूल की वीडियो रिकॉर्ड कर दी है दोस्तों, हर टूल की, लिनक्स की मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, AWS की वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी मैंने, Azure की वीडियो रिकॉर्ड कर दी मैंने, Ansible की वीडियो रिकॉर्ड हो गई, Git की वीडियो रिकॉर्ड हो गई, GitHub की हो गई, Jenkins की वीडियो भी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी कुछ दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने सारे DevOps के टूल की वीडियोस रिकॉर्ड कर दी है। और दोस्तों ये वीडियो इस तरीके की है, एक रियल IT इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स के साथ, रियल IT वर्ल्ड के साथ। आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा मेरे शब्दों पे, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और कोई भी मेरा एक वीडियो उठा के पढ़ लीजिए, आपको बिलीव हो जाएगा ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो आप वीडियो को लेकर आप कर सकते हैं, आप मेरे से वीडियो लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका डेवॉप्स 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंटेंट छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, अगर आप सोचते हैं कि 2.5 महीने वाला सही है, तो वहां पर आपके कंटेंट छूट रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग कंटेंट को पूरा करिए, वीडियोस लीजिए मेरे से और एक दिन में 4 घंटे पढ़िए, हार्ड मेहनत करिए, लैब करिए अपने साथ। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पिंग भी कर सकते हैं कि सर आपकी वीडियो में हम लोग ये लैब कर रहे थे और यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपके सिस्टम को रिमोट में लेकर सॉल्व भी कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप डेवॉप्स को करते हैं तो दोस्तों आपका डेवॉप्स 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के चलते हैं कि किसी इंडस्ट्री के साथ डेवॉप्स की ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे, तो आप कभी भी 6 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते, आपको 1 साल लगेगा। 1 साल कब? जब आप वीक में 4 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं। अगर आप वीकेंड में सिर्फ सैटरडे संडे ट्रेनिंग लेते हैं तो वो कभी नहीं होने वाला आपका, वो तो आपसे 1.5-2 साल चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया लर्निंग वे है सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ने से अच्छा कुछ भी नहीं दोस्तों आज के टाइम में। खुद पढ़ें, जब आप खुद पढ़ेंगे तो आप R&D करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। अब कई बंदे बोलते हैं सर खुद से पढ़ेंगे कुछ सिनेरियो कहां से मिलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के डेटा सेंटर को विजुलाइज करिए और सिनेरियो अपने सामने लेके आइए और लैब करिए। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाना चाहता हूं। आप लोगों को पता है ताजमहल? बहुत सारे बंदों को पता है कि ताजमहल एक ही बार बना, सारे बंदे बोलते हैं कि ताजमहल एक बार बना आगरा में। मैं बता दूं ताजमहल 3 बार बना दोस्तों, 3 बार। पहली बार किसी के दिमाग में बना है, दूसरी बार उसे कागज में बनाया गया होगा, तीसरी बार उसे फिजिकल बनाया गया आगरा में। तो 3 बार ताजमहल बना। तो इसी तरीके से आप अपनी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग कंपनी में जो आपका चल रहा है उस कंपनी की चीजों को विजुलाइज करें, उस कंपनी के सिनेरियो को विजुलाइज करें, उसको घर में बैठ के पेपर में बनाएं और फिर उसको आप इंप्लीमेंट करें। आपके पास आजकल AWS है, Azure है, जहां चाहे वहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। करके तो देखिए, एक्सपीरियंस यहीं से मिलेगी, यहीं से आपको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिलेगा, फील होगा, फिर आप इंटरव्यू में जाइए, आपको कोई भी इंटरव्यू में नहीं हरा सकता। लेकिन आप ये सब करेंगे तब, लेकिन इन सब करने, ये सारा करने के लिए बंदे तैयार नहीं होते, आपको थोड़ा सा सैक्रिफाई करना पड़ेगा और इनको करना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा, तब जाकर आपकी गाड़ी चलेगी, तब जाकर आपका पैकेज 12 से 15 लाख होगा, 15 से 20 लाख होगा, तब जाकर आप कंपनी को स्विच कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहेंगे। मेरी बात कड़वी है बट सच्चाई है। अब सवाल आता है दोस्तों कि ये जो वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं, क्या ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो दोस्तों इस वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में मुझे काफी मेहनत लगा, 1 से 1.5 साल मुझे लग गए सारे वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो इसकी प्राइसिंग है दोस्तों, लेकिन प्राइसिंग बहुत कम है, इतना कम प्राइसिंग है कि आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसे पे कर सकते हैं। जहां पे आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे वहां पे आपका 10 से 12 हजार में काम हो जाना,
तो ये सारी डेवॉप्स की वीडियो जो है आपको मैं 10 से 12 हजार में प्रोवाइड कर देता हूं। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, हर कोई बंदा पे कर सकता है। जहां आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, राइट, 1 साल वेस्ट कर रहे थे, आप मेरी वीडियोस को 10 से 12 हजार में ले लें और 6 महीने में अपने डेवॉप्स को कंप्लीट कर सकते। तो ये इंफॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदे हैं जो एक पैसे ज्यादा होते हैं, बोले तो डेवॉप्स को करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं, तो उनके पास पैसे ना होने की वजह से वो कर नहीं पाते हैं, राइट। या वो लोग ऐसे करते हैं कि 3 महीने में एक टूल कर लिया, फिर अगले 3 महीने में एक टूल कर लेंगे, तो 2-2.5 साल ऐसे लग जाता है, फिर वो जॉब नहीं स्विच कर पाते। तो जल्दी से जल्दी आप अपने डेवॉप्स कंप्लीट करें। आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जॉब है डेवॉप्स प्रोफाइल के लिए। आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप आज naukri.com में जाइए और डेवॉप्स के जितने भी टूल्स हैं कीवर्ड में ऐड कर दीजिए। बस कीवर्ड होता है ना naukri.com में, कीवर्ड वहां जाके ऐड कर दीजिए, मुझे लिनक्स आती है, मुझे AWS आता है, मुझे डॉकर कम्युनिटी आती है, आप देखिए आपके पास कितने कॉल आएंगे। बहुत ज्यादा जॉब है दोस्तों मार्केट में डेवॉप्स के ऊपर, लेकिन बंदे नहीं है मार्केट में जिनको ये सारी चीजें आती हैं, इसलिए उन्हें जॉब नहीं चेंज कर पा रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, और ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी था मुझे आपको देने के लिए, क्योंकि बंदे जॉब नहीं चेंज कर पा रहे क्योंकि उन्हें रियल इंफॉर्मेशन नहीं पता, बंदे पैकेज अपना नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि उन्हें रियल इंफॉर्मेशन नहीं पता। अगर आपको रियल इंफॉर्मेशन पता लगे, अगर आपको रियल इंडस्ट्री पता लगे, अगर आपको ये समझ में आए कि कंपनी क्या चाहती है, तो आप अपना जॉब चुटकी में चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा, राइट। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता आज के टाइम। तो वीडियो लीजिए डेली, 4 घंटे लर्निंग करिए, मेहनत करिए, कम पैसे लगाइए, ज्यादा मेहनत करिए, नॉलेज ज्यादा लीजिए। आपको अपने पैसे यहाँ वहां इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं दोस्तों, अपने पैसे को सेव करिए, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने पैसे को सेव करते हैं तो एक मोमेंट पे वो काम आता है। जैसे आप आज के टाइम में देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को पैसे को लेकर, अगर आप वो पैसे यहाँ वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किए होते तो आज वो काम आता। बहुत सारे बंदे मुझे मैसेज करते हैं, सर कंपनी ने हमें फ्री टू लीव भेज दिया, हमें लीव में भेज दिया, सैलरी भी नहीं दे रही कंपनी ने, हमारा 30% सैलरी कम कर दिया है, कई प्रॉब्लम्स मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो आप अपने पैसे सेव करिए, कम पैसे लगाइए, ज्यादा नॉलेज लीजिए, मेहनत ज्यादा करिए, सक्सेसफुल आपको जरूर मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन जो था इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे किसी टेक्निकल वीडियो के साथ। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द।